तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च ताखिर का शिकार, कारकुनों को 11 बजे का टाइम दिया गया था। पीटीआई कारकुनों की लिबर्टी चौक पर आमद जारी, लॉन्ग मार्च नमाज जुमे के बाद रवाना होने का इम्कान है। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त है, रास्ते भी बंद हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि कौन के फैसले आवाम करेंगे, उसके सिवा कोई और नहीं करेगा। लॉन्ग मार्च का हदफ पाकिस्तान की हकीकी आजादी है, कौम हकीकी आजादी के लिए के कप्तान के साथ निकलेगी। फवाद चौधरी बोले कि जब तक फैसले का हक आवाम हाथ में नहीं लेंगे मुस्तकबिल ठीक नहीं होगा। आवाम हकीकी आजादी मार्च का हिस्सा ना बने तो फिर निजाम का गिला नहीं होना चाहिए। कौम ने आयन चिकन फॉरन फंडेड फितने का गुलाम बनने से इनकार करते हुए खूनी मार्च मुस्तरद कर दिया है। वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा नौजवान तोशाखाना चोर फरागोगी बुशरा बीबी के निजाम पर डाकू होके मुहाफिज नहीं बन सकते। सखर में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गई, बागड़ची कच्चे के इलाका मैदान जंग बन गया, चार अफराद जाम भाग, पुलिस की इजाफी नफरी को तलब कर लिया गया। रावलपिंडी के इलाके मरीन चौक पर डाकुओं ने कैश सप्लाई करने वाली बैंक वैन लूट ली, डाकू वैन अमले से नकदी भरे दो बैग छीनकर फरार, मुजाहमत पर दो गार्ड जख्मी।